नहीं, श्री पेरम्बदूर के इसी मैदान में रैली हो रही थी। यहाँ से बस 100 ही मीटर दूर जहाँ स्मारक बना हुआ है, मंच लगा हुआ था, इसी तरीके से रेड कार्पेट बिछा हुआ था कि खबर आई राजीव गांधी पहुंचने वाले हैं। सब तरफ हलचल मच गई, हर कोई राजीव गांधी को बस एक झलक करीब से देखने के लिए उतावला हो रहा था। मंच पर म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा था, उसे रोका गया। रोक कर रैली के ऑर्गेनाइजर एजे दौस ने माइक अपने हाथ में लिया और घोषणा करने लगे कि राजीव गांधी की गाड़ी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। जिन जिन लोगों की ड्यूटी राजीव गांधी के स्वागत के लिए लगाई गई है वो रेड कार्पेट के पास अपनी अपनी पोजीशन ले लें, राजीव गांधी किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। और मंच से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस की कार्यकर्ता लता कनन भी रेड कार्पेट पर राजीव गांधी के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। लता कनन के बगल में स्कूल ड्रेस में उनकी बेटी कोकिला खड़ी थी, वो राजीव गांधी को हिंदी में कविता सुनाने वाली थी। लता कनन और कोकिला के बीच कुछ पीछे की ओर मानव बम धनु इस तरह से खड़ी हो गई कि किसी की नजर उस पर ना पड़े। धनु के हाथ में चंदन की एक माला थी और उसकी कमर पर शक्तिशाली बम लिपटा हुआ था राजीव गांधी की हत्या करने के लिए। जैसे ही राजीव गांधी के आने की घोषणा हुई वैसे ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड सिवरासन मंच से करीब 5 मीटर की दूरी पर रेड कार्पेट के बाईं तरफ आकर खड़ा हो गया। शिवरासन उस समय एक पत्रकार के रूप में वहां मौजूद था। राजीव गांधी के स्वागत के लिए जहां पर महिलाएं खड़ी थी उन्हीं के बराबर में राजीव गांधी की सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुसुया मौजूद थी। धनु के पास ही तकरीबन 20 कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे, वो परंपरागत तरीके से राजीव गांधी का स्वागत करना चाहते थे। उनके हाथ में रेशमी शॉल और मालाएं थी। राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल फोटोग्राफर हरि बाबू भी रेड कार्पेट पर मौजूद था और वो मानव बम धनु और हत्या का मास्टरमाइंड शिवरासन की फोटो खींच रहा था। तभी करीब 10:15 बजे राजीव गांधी की गाड़ी मैदान में दाखिल हुई और रेड कार्पेट के पास आकर खड़ी हो गई। यानी मंच से सिर्फ 20 मीटर दूर थे राजीव गांधी और अपनी मौत से बेखबर मानव बम धनु से सिर्फ 10 मीटर दूर। राजीव गांधी अपनी कार में आगे की सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही वो कार से उतरे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। राजीव गांधी अपनी बाईं ओर अपने से मिलने को बेताब खड़े लोगों से हाथ मिलाते हुए मंच की तरफ बढ़ने लगे। राजीव गांधी यहाँ पहुंचे तो एकदम आपाधापी मच गई, सुरक्षा के इंतजाम धरे के धरे रह गए। यहाँ पर रेड कार्पेट पर सिर्फ 23 लोगों को मौजूद होना था, यहाँ पर 23 से बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। जिन लोगों को राजीव गांधी का स्वागत करना था उनकी जांच के लिए मेटल डिटेक्टर्स का इंतजाम था, मेटल डिटेक्टर्स के साथ 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उस रात मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इस बीच राजीव गांधी आगे बढ़ते हुए मंच के करीब पहुंच गए, तकरीबन 5 मीटर की दूरी तक। रेड कार्पेट के बाईं ओर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे स्वागत के। अब आगे बढ़ते हुए राजीव गांधी लगभग 5 मीटर दूर अपनी दाहिनी तरफ स्वागत के लिए खड़ी लता और कोकिला के नजदीक पहुंच गए। राजीव गांधी अब अपनी मौत के बेहद पास खड़े थे क्योंकि मानव बम धनु लता और कोकिला के पीछे खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही राजीव गांधी कांग्रेस कार्यकर्ता लता कनन के पास पहुंचे तो लता कनन ने उनका परिचय अपनी बेटी कोकिला से करवाया और कहा कि वो उन्हें हिंदी में कविता पढ़कर सुनाना चाहती है। जैसे ही राजीव गांधी कोकिला के पास पहुंचे उसने उन्हें कविता सुनाई। कोकिला राजीव गांधी को कविता पढ़कर सुना रही थी और मानव बम धनु इसी तरह से पीछे खड़ी रही। कोकिला ने जैसे ही हिंदी में कविता पढ़कर सुनाई राजीव गांधी ने कंधा थपथपाकर उसे शाबाशी दी। राजीव गांधी ने कोकिला को शाबाशी दी और मौके की ताक में घात लगाए खड़ी धनु अचानक से एक कदम आगे बढ़ी और राजीव गांधी के बेहद नजदीक पहुंच गई। वो राजीव गांधी को माला पहनाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मानव बम धनु आगे राजीव गांधी की तरफ बढ़ी सब इंस्पेक्टर अनुसुया की नजर उस पर पड़ी। सब इंस्पेक्टर अनुसुया मानव बम धनु को राजीव गांधी के पास जाने से रोकना चाहती थी। राजीव गांधी ने जैसे ही सब इंस्पेक्टर अनुसुया को धनु को रोकते हुए देखा उन्होंने तुरंत इशारा करके सब इंस्पेक्टर अनुसुया से धनु को उनके पास आने देने को कहा। राजीव गांधी के मना करने पर सब इंस्पेक्टर अनुसुया सहम गई और मानव बम धनु को राजीव गांधी के पास जाने से नहीं रोक सकी। जैसे ही मानव बम धनु राजीव गांधी के पास पहुंची वैसे ही करीब खड़ा शिवरासन कुछ परे हट गया। इसी बीच फोटोग्राफर हरि बाबू राजीव गांधी धनु लता और कोकिला की हर तस्वीर बेहद नजदीक से अपने कैमरे में कैद कर रहा था। राजीव गांधी अपनी मौत से बिल्कुल बेखबर, अपनी मौत यानी मानव बम धनु के बिल्कुल सामने खड़े थे। आखिरकार 21 मई 1991 की उस रात घड़ी की सुई 10:20 पर पहुंची। मानव बम धनु ना राजीव गांधी के बेहद नजदीक थी, उन्हें माला पहनाने की कोशिश कर रही थी और उसके चेहरे पर घबराहट जरा भी नजर नहीं आ रही थी। धनु ने जैसे ही माला पहनाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए राजीव गांधी ने थोड़ा झुककर माला पहन ली।
माला पहनाई धनु ने राजीव गांधी को और उसके बाद उनके पैर छूने के बहाने वो जरा सा नीचे झुकी। जैसे ही धनु नीचे झुकी उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी कमर पर पीछे की ओर बंधे बम का बटन दबा दिया और बटन दबते ही ऐसा धमाका हुआ कि सब दहल उठे, मानो वक्त कुछ देर के लिए थम गया हो। किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ है, ऐसा सन्नाटा छा गया पल भर के लिए। लेकिन जब तक ये सन्नाटा टूटा, जब तक ये खामोशी टूटी, सब कुछ खत्म हो चुका था। पल भर पहले ही हंसते मुस्कुराते अपने समर्थकों से गर्मजोशी से मिलते राजीव गांधी मंच की तरफ बढ़ रहे थे और पल भर में ही उनका सफर हमेशा के लिए थम चुका था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं। Then I was shocked and went and searched for Rajiv ji. It was a ghastly sight. I could only identify him by his shoes and the back of his head. I was always worried that something may happen to my husband. से मैं आए सो आदमी आज ये पोजीशन को आए बोले तो वही फैमिली, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गरीब आदमी इतना बड़ा पोजीशन, तो मैं उस फैमिली को कभी नहीं छोड़ता हूं। Well, I really sort of blanked out at that point. But later on, my daughter told me that when she came and told me, I said, I wish I had gone to Madras with her. Whenever you are flying, these memories keep coming. I did not want my husband to become prime minister, and I was literally begging him not to. And I told him that I didn't want him to do it because they would kill him. He would be killed. And my husband answered, I would be killed in any case. It comes to having to die for what you believe in, I don't hesitate. मई 1991 को राजीव गांधी शाम के तकरीबन 5 बजे अपने निवास 10 जनपद से भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम होते हुए श्री पेरम्बदूर जाने के लिए निकले। श्री पेरम्बदूर उन्हें 21 मई को पहुंचना था, शाम के 8:30 बजे उनकी वहां पर सभा थी। यूं तो राजीव गांधी की ये आखिरी चुनावी यात्रा थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी का भी आखिरी सफर बन गया। इधर 20 मई की शाम 5 बजे राजीव गांधी अपने निवास 10 जनपद से श्री पेरम्बदूर के लिए निकले। वहीं उसी वक्त चेन्नई में शाम के 5 बजे नलिनी के घर पर राजीव गांधी की हत्या की साजिश की फाइनल मीटिंग शुरू हुई। 20 मई 1991 सोमवार का दिन, दिल्ली में लोकसभा के मध्यावर्ती चुनाव के लिए वोट डालने का दिन। राजीव गांधी का दिल्ली में आखिरी दिन था। सत्ता में वापसी की उम्मीद लिए राजीव गांधी सुबह करीब 8 बजे अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद से वोट डालने के लिए निकले। हमने देखा है कि वोट डाल के बाहर आ रहे थे, उनके चेहरा खिला हुआ था, वो मुस्कान थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने हंस के कहा, क्यों नहीं हंसूं, क्यों नहीं खुश हूँ, हम जीत रहे हैं। सुबह
बाद वो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए, जहां पर उन्हें चुनावी दौरा करना था। इससे हमारी कोशिश ये होगी, पहले जो सर्विसेज में हो, चाहे दूसरी नौकरी में हो, चाहे जैसी भी। शाम को लगभग 4 बजे वो वापस 10 जनपद आए। होने से जाना था तो वो कह रहे थे कि मैं थोड़ा घर हो गया हूँ, बिकॉज प्रॉब्ली सोनिया जी भी वापस आ गई होंगी। राजीव गांधी शाम को उड़ीसा के लिए निकलने वाले थे। शाम लगभग 5 बजे वो अपनी पत्नी सोनिया गांधी और अपनी बेटी प्रियंका गांधी से आखिरी बार मिलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। राजीव गांधी को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भीतरी भागों का दौरा करते हुए तमिलनाडु जाना था, जहाँ पर उन्हें चेन्नई से 48 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर 21 मई 1991 यानी मंगलवार की रात पहुंचना था। उधर दिल्ली में शाम 5 बजे राजीव गांधी भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम होते हुए श्री पेरम्बदूर जाने के लिए तैयार हुए, तो उनकी हत्या की साजिश रचने वाला शिवरासन, जो कि लिट्टे का सबसे खूंखार आतंकवादी भी था, वो चेन्नई में यहाँ मुथामिल नगर स्थित अपने इस घर से बाहर निकला। वो नल्ली की माँ पद्मा के घर जा रहा था, उस पद्मा के घर जहाँ शाम 6 बजे उसने एक जरूरी बैठक बुलाई थी, जिसमें मानव बम धनु, सुबह फोटोग्राफर हरी बाबू और नल्ली को मौजूद रहना था। मानव बम बनकर राजीव गांधी की हत्या करने के लिए श्रीलंका के जाफना से आए एलटीटीई की खतरनाक आतंकवादी धनु, अपनी सहयोगी और एक और मानव बम सुबह के साथ चेन्नई के कावेरी नगर के इसी घर में किराए पर रहती थी। धनु को भी नलिनी की मां पद्मा के घर मीटिंग के लिए जाना था। 20 मई 1991 की शाम यानी राजीव गांधी की हत्या से ठीक एक दिन पहले मानव बम सुबह अपनी सहयोगी और मुख्य मानव बम धनु के साथ इसी घर से निकल पड़ी। मकसद था राजीव गांधी की हत्या की साजिश के लिए आखिरी मीटिंग करना और इसके लिए उन्हें जाना था पद्मा के घर। यही था राजीव गांधी की हत्या से ठीक पहले राजीव गांधी की हत्या के लिए श्री पेरम्बदूर पहुंचे एलटीटीई के अपराधी शिवरासन, धनु, सुब्बा और नलिनी की फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर हरिबाबू का घर। 20 मई की शाम फोटोग्राफर हरिबाबू राजीव गांधी की हत्या में अपनी भूमिका को समझने के लिए पद्मा के घर होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए शाम 5 बजे रवाना हो गया। यह है राजीव गांधी की हत्या की साजिश में एलटीटीई का साथ देने वाली नलिनी का दफ्तर। नलिनी चेन्नई के अनाबॉन सिलिकॉन्स के इसी दफ्तर में बतौर असिस्टेंट काम करती थी। वो अपनी मां से अलग रहती थी, लेकिन अक्सर अपनी मां पद्मा से मिलने उसके घर जाया करती थी। नलिनी की वजह से पद्मा से शिवरासन और उसकी टीम के दूसरे अपराधियों की भी जान पहचान हो गई थी। लिहाजा 20 मई की शाम 5 बजते ही दफ्तर खत्म हुआ और नलिनी राजीव गांधी की हत्या की आखिरी साजिश में शामिल होने के लिए यहां से अपनी मां पद्मा के घर के लिए रवाना हो गई। लगातार मूव कर रहा था, ये चेन्नई में थे, चेन्नई के आसपास थे, इनको तैयार करके लाया गया था, इसमें कोई शक की बात नहीं। धनु के अलावा शुभा एक दूसरी महिला थी, वो भी साथ आई थी, उसको ऑल्टरनेटिव के तौर पर रखा गया था। ये सारे लोग इकट्ठे ही थे और नल्ली के परिवार से इनका बहुत गहरा ताल्लुक था। राजीव गांधी 5:15 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। ले लो छोटा, मुझे दे दो साथी। इस बार भी राजीव गांधी ने खुद ही विमान उड़ाने का फैसला किया और विमान के पायलट कैप्टन चंडो उनके बगल में को पायलट बनकर बैठ गए। राजीव गांधी के विमान ने 5:30 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरी।
इधर राजीव गांधी का विमान जैसे ही भुवनेश्वर के नजदीक पहुंचा, मौसम अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गया। विमान का आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। राजीव गांधी रात करीब 8:30 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरे। उस वक्त यहां हल्की बारिश हो रही थी। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में कुछ देर रुकने के बाद राजीव गांधी कार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली चुनावी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। लैंड करने के बाद वो मीटिंग के लिए चले गए और अगले दिन का उन्होंने प्रोग्राम दे दिया हमको कि हम 7:30 बजे के करीब निकलेंगे। दिन भर की चुनावी रैली और मीटिंग को खत्म करने के बाद राजीव गांधी रात करीब 10 बजे भुवनेश्वर के इसी स्टेट गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए पहुंचे। एक तरफ राजीव गांधी कटक और भुवनेश्वर में अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति को मजबूती दे रहे थे, दूसरी तरफ यहीं चेन्नई के रोयापेट इलाके में नलिनी की मां पद्मा के घर पर साजिशकर्ता अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के तरीके ढूंढ रहे थे। उधर राजीव गांधी अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस के एजेंडा को जनता के बीच में रखने में उन्हें समझाने में लगे हुए थे, तो इधर चेन्नई में शिवराजन ने जो लिट्टे की टीम जुटाई थी, जो राजीव गांधी की हत्या के लिए यहां जुटी हुई थी, उस टीम को समझाने में शिवराजन अपने तरीके से लगा हुआ था। शिवराजन उन्हें समझा रहा था कि 21 मई को श्री पेरम्बदूर में होने वाली राजीव गांधी की रैली में कौन कब कैसे पहुंचेगा, जब राजीव गांधी रेड कार्पेट पर होंगे उस समय शिवराजन कहां मौजूद होगा, नलिनी कहां होगी, मानव बम धनु उस समय राजीव गांधी के पास पहुंचने के लिए क्या क्या उपाय करेगी और फोटोग्राफर हरी बाबू क्या कर रहा होगा। इसी मीटिंग में तय किया गया कि फोटोग्राफर हरी बाबू कुंभार हैंडीक्राफ्ट की दुकान से चंदन की माला खरीद कर और अपना कैमरा लेकर शाम करीब 5 बजे ब्रॉडवे मुस्लिम बस स्टैंड पहुँच जाएगा और वहाँ पर शिवराजन, धनु, सुबह और नलिनी का इंतजार करेगा। शिवराजन ने नलिनी को अपने दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर 3 बजे अपने घर पर उनका इंतजार करने के लिए कहा। पद्मा के घर पर चल रही मीटिंग लगभग 4 घंटे तक चली और ये मीटिंग करीब खत्म हुई करीब 10 बजे और मीटिंग खत्म होते ही शिवराजन, धनु, नलिनी और सुबह अपने अपने घर की ओर चल पड़े। राजीव गांधी अब आगे के सफर के लिए पूरी तरह तैयार थे। तब तक राजीव गांधी के विमान के पायलट कैप्टन चंडोक, इंजीनियर आनंद वर्मा और हेलीकॉप्टर के पायलट कैप्टन त्रिहन तीनों वहां पहुंच चुके थे और सभी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। 21 तारीख को जो है हम लोगों ने जो यहाँ से निकले गेस्ट हाउस से, सिक्योरिटी भी कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल सिक्योरिटी था। उसके बाद वहीं फिर गए भद्रक। राजीव गांधी का हेलीकॉप्टर अब भुवनेश्वर से उड़ान भरने के लिए तैयार था। हेलीकॉप्टर में जगह कम थी इसलिए राजीव गांधी ने विमान के पायलट कैप्टन चंडोक को निर्देश दिया कि वो बुल्गारिया की पत्रकार डनाइला केनेवा और उनकी टीम, सुरक्षा अधिकारी ओपी सागर, विमान के इंजीनियर आनंद वर्मा और उनके मीडिया सलाहकार सुमन दुबे को लेकर विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो जाएं। जो विशाखापट्टनम का हवाई अड्डा है वो नेवल बेस है और वो 6 बजे बंद कर देते हैं, तो उसके बाद में हमें परमिशन नहीं थी उड़ने की, तो हमने सब कुछ एडजस्ट करके वहाँ से टेक ऑफ करके फिर जाना था। नलिनी सुबह करीब 10 बजे अपने दफ्तर पहुंच गई और दफ्तर पहुंचते ही तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए आधे दिन की छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। नलिनी की छुट्टी मंजूर हो गई। इधर फोटोग्राफर हरी बाबू दोपहर के 1 बजे चेन्नई के कुंभार एम्पोरियम में इस तरह की चंदन की माला खरीदने के लिए पहुंचा। मानव बम धनु को राजीव गांधी को इसी तरह की माला पहनाने के बहाने नजदीक पहुंचना था। The first observation probably they made it that if you have a rose garland, they will check it. So instead of that, it is better to have a garland of a sandalwood where nobody can suspect that something will be there or something. That was the design which was later on devised. इधर राजीव गांधी उड़ीसा के गुनपुर में चुनावी रैली खत्म करने के बाद करीब 2 बजे हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के लिए रवाना हो गए।
इधर राजीव गांधी 3 बजे श्रीकाकुलम पहुंच गए। श्रीकाकुलम पहुंचने पर राजीव गांधी ने अजीब सी इच्छा जाहिर की, वे धुले हुए कपड़े पहनना चाहते थे। राजीव गांधी की इस ख्वाहिश को सुनकर हर कोई हैरान हो गया, लेकिन राजीव गांधी ने जिद पकड़ ली। इतनी भीड़, इतने लोग वहां पे ही चादरें लेके, उसका एक स्क्वायर सा बनाया गया और उसके अंदर उन्होंने चेंज किया। दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि वो पहले कभी उन्होंने कपड़े बीच में नहीं बदले। इस बीच शिवरासन, धनु और सुभा दोपहर करीब 3:15 बजे नलिनी के घर पहुंच गए। नलिनी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। नलिनी के घर पहुंचते ही शिवरासन ने नलिनी से तुरंत चलने के लिए कहा। उसके बाद चारों, यानी नलिनी, शिवरासन, धनु और सुभा, ये पहले नजदीक के मंदिर गए और उसके बाद वहां से बस स्टैंड की तरफ, ब्रॉडवे बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गए, जहां से उन्हें फोटोग्राफर हरि बाबू को अपने साथ लेना था और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या के लिए श्री पेरम्बदूर रवाना होना था। विजयनगर होते हुए राजीव गांधी शाम 5 बजे विशाखापट्टनम के इसी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरे। तय समय के मुताबिक शिवरासन, नलिनी, धनु और सुबह ब्रॉडवे बस स्टैंड चले आए। यहां पर पहले से ही हरि बाबू मौजूद थे। इन पांचों को यहीं से श्री पेरम्बदूर के लिए बस पकड़नी थी। राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने वाला शिवरासन कांचीपुरम जा रही ऐसी ही किसी बस में इस बस स्टैंड से सवार हो गया। वो पत्रकार दिखना चाहता था, लिहाजा उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था, उसने कंधे पर झोला एक लटका रखा था, उसके हाथ में एक नोटबुक थी और उसके कुर्ते के अंदर उसने एक पिस्तौल भी छिपा रखी थी। मानव बम बनकर राजीव गांधी की हत्या करने के लिए तैयार धनु भी इसी बस में सवार हो गई। धनु ने सलवार कुर्ता पहना था, लेकिन उसने सलवार कुर्ते के नीचे कमर पर वो खतरनाक बम बांधा हुआ था जिससे वो राजीव गांधी की हत्या करने वाली थी। धनु के साथ श्रीलंका से चेन्नई पहुंची एक और मानव बम सुबह भी उस बस में सवार हो गई। सुबह ने उस वक्त साड़ी पहन रखी थी। प्रभाकर ने उसे खास तौर से मानव बम धनु के विकल्प के तौर पर चेन्नई भेजा था। राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने वाले शिवरासन का साथ देने वाली नलिनी भी इसी बस में सवार हो गई। श्री पेरम्बदूर में होने वाली रैली में राजीव गांधी की हत्या की तस्वीरों लेने की पूरी तैयारी कर चुका फोटोग्राफर हरि बाबू भी अपना चिनॉन कैमरा लेकर बस में सवार हो गया और बस श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गई। राजीव गांधी 5:50 पर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पहुंचे और चेन्नई जाने के लिए किंग एयर के विमान में सवार हो गए, लेकिन विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम में एकाएक गड़बड़ी आ गई। विमान के इंजीनियर आनंद वर्मा ने इसे ठीक करने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। तो उसको उस वक्त हम लोग देख दाख रहे थे, इसी दौरान में राजीव साहब आए, जहाज के अंदर आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, उनको बताया कि भाई पार्शियल इलेक्ट्रिकल फेलियर है और इस कंडीशन में जहाज जा नहीं सकता, लिहाजा राजीव गांधी को चेन्नई जाना मुश्किल लगने लगा। उन्होंने विशाखापट्टनम में ही रात गुजारने का फैसला किया। सबसे बड़ी बात, उतरते ऐसा पहला कदम रखते, अरमान बदमाशी कराना, तू तेरी बदमाशी है। मैं डर गया, मैं बोला क्या बोलता, मेरी क्या बदमाशी, मैं पहली मरता एयरक्राफ्ट में कभी देखा नहीं, कभी मैं चढ़ा नहीं इसमें, मेरे क्या मालूम है। तो हंसते बोले नहीं नहीं वो खराब हो गया, चल गेस्ट हाउस चलो बोला। राजीव गांधी विशाखापट्टनम के इसी एयरपोर्ट से निकलकर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर उनकी मौत उन्हें खींचकर वापस एयरपोर्ट ले आई। जब सर्किट हाउस पहुंचे तो वहाँ मैसेज था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने आपको वापस एयरपोर्ट बुलाया है, जहाज ठीक हो गए। इमीडिएट राजीव जी बोले गाड़ी पलटाओ, इतना ही बस। राजीव गांधी इतनी तेजी से वापस लौटे कि उनके साथ दूसरी कार में चल रहे उनके सुरक्षा अधिकारी ओपी सागर, बुल्गारिया की पत्रकार डनाइला और हेलीकॉप्टर के कैप्टन त्रेहन तीनों पीछे छूट गए। जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचते, राजीव गांधी चेन्नई के लिए रवाना हो चुके थे। चेन्नई के करीब श्री पेरम्बदूर का ये वही मैदान है जहां 21 मई 1991 की शाम चुनावी रैली होनी थी।
यहां से बस 100 ही मीटर दूर जहां स्मारक बन चुका है वहां पर मंच सज चुका था। इसी तरीके का रेड कार्पेट बिछ चुका था राजीव गांधी के आने के लिए इस मैदान में। राजीव गांधी श्री परमदूर के लिए विशाखापट्टनम से करीब 6:15 बजे निकले और यहाँ 6:30 बजे चुनावी रैली में लोग जुटना शुरू हो गए थे। लोगों को बांधे रखने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए यहाँ पर शंकर गणेशन का ये म्यूजिकल प्रोग्राम मंच पर शुरू हो गया। शाम तकरीबन 7 बजे शिवरासन धनु नलिनी सुबह और हरी बाबू को लेकर श्री पेरम्बदूर चला आया और यही मैदान के ठीक करीब एक हाईवे पर उतर गया। श्री पेरम्बदूर के इस मैदान में जहां पर करीब 100 मीटर दूर वो जगह है जहां स्मारक बना हुआ है, मंच बना हुआ था, मंच के सामने की तरफ से शाम करीब 7:30 बजे धनु सुबह नलिनी हरिबाबू और राजीव गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड शिवरासन दाखिल। दरअसल उस रात श्री पेरम्बदूर के इस मैदान में जहां आगे चलकर 100 मीटर दूरी पर अभी स्मारक बना हुआ है जहां मंच बना था, इस तरफ मंच बना हुआ था और ये रास्ता था, रेड कार्पेट बिछा हुआ था जिस रेड कार्पेट से राजीव गांधी को आना था। जो इंतजाम किए गए थे वो राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए नाकाफी थे, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो बैरिकेडिंग की गई थी इस तरफ, ये दाहिनी तरफ तो बैरिकेडिंग की गई थी कि राजीव गांधी के करीब लोग ना आ सकें, लेकिन बाईं तरफ जगह खुली थी, यहां पर महिलाओं को मिलना था राजीव गांधी से, महिलाओं ने फूलमालाओं से राजीव गांधी का स्वागत करना था और इसी जगह पर मानव बम धनु अपनी नजर लगाए हुए थी। राजीव गांधी को देखने के लिए भीड़ का जुटना शुरू हो गया था। उधर सुरक्षा इंतजाम की खामियों का शिवरासन पूरी तरह से जायजा ले चुका था, वो ये भी देख चुका था कि राजीव गांधी किस तरह मंच तक पहुंचेंगे। इसके बाद शिवरासन ने अपनी टीम के सभी सदस्यों को निर्देश देने शुरू किए। शिवरासन ने धनु से कहा कि अगर उसे राजीव गांधी के और करीब पहुंचना है तो रेड कार्पेट के पास खड़ी महिलाओं से उसे दोस्ती करनी ही होगी। इसके अलावा नलिनी और सुबह से कहा गया कि वो महिलाओं के बैठने वाली जगह पर जाकर बैठें। फोटोग्राफर हरि बाबू से कहा गया कि जैसे ही राजीव गांधी चुनावी सभा में पहुंचे वैसे ही वो तस्वीरें लेने का सिलसिला शुरू कर दे। While I was doing bandobast duty near the red carpet area, three persons came from the back side of the rostrum towards the red carpet area. I asked them to go away from that place. One man was having camera. That lady was having sandal beads garland. One man wearing kurta paijama. मानव बम धनु के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो रेड कार्पेट पर मौजूद दूसरी महिलाओं में इस तरह से घुल मिल जाए कि किसी को भी उस पर शक ना हो। धनु ने सबसे पहले वहां पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता लता कन्नन और उनकी बेटी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसके बाद धीरे धीरे जाकर वो उनके बगल में खड़ी हो गई। लता कन्नन वहां पर मौजूद थी, उनकी बेटी कोकिला वहां पर मौजूद थी और वहीं पर खड़ी हो गई जाकर धनु। धनु के हाथ में चंदन की एक कीमती माला थी, लिहाजा वहां पर मौजूद दूसरे लोगों को लग रहा था कि वो भी कांग्रेस की एक कार्यकर्ता है और उसे भी राजीव गांधी के स्वागत की इजाजत मिली हुई है। Yes, there was a lot of crowding as you can see from the videos and all that later on. There was chaos, partly because of the confusion among the organizers and partly because of the police on the spot did not assert themselves to ensure everything is done properly. धनु जो ह्यूमन बॉम्ब थी अल्टीमेटली ने असैसिनेट किया इनको राजीव गांधी, वो पहुंची भी पार्टी वर्कर के साथ, कुछ फोटो वगैरह जो आई वो दिखा के उनके पास थी। रेड कार्पेट पर मौजूद लता कनन की बेटी कोकिला राजीव गांधी को हिंदी में कविता पढ़कर सुनाना चाहती थी, लिहाजा लता कनन ने श्री पेरम्बदूर के कांग्रेस के उम्मीदवार मरगतम चंद्रशेखर की बेटी लता प्रिया कुमार से खास तौर से इसकी इजाजत ली। शिवरासन के प्लान के मुताबिक नलिनी और सुबह को धनु से अलग रहना था ताकि किसी को भी धनु पर शक न हो, लिहाजा दोनों महिलाओं के लिए बनाए गए घेरे में जाकर बैठ गईं और वहां से धनु और शिवरासन की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। हरि बाबू के कैमरे से ली गई इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है नलिनी और सुबह कितनी घबराई हुई थी। तमाम बाधाओं के बावजूद राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर जाने के लिए 2 घंटा देर से ही सही लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच ही गए। 21 मई 1991 रात करीब 9 बजे राजीव गांधी बुलेट प्रूफ एम्बेसडर कार में सवार होकर चेन्नई बेंगलोर हाईवे पर 48 किलोमीटर दूर स्थित श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए।
राजीव गांधी का काफिला रात लगभग 9:20 पर चेन्नई से 23 किलोमीटर दूर पोरूर पहुंचा। यहां पर राजीव गांधी के स्वागत के लिए सैकड़ों लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए थे। राजीव गांधी अपनी कार से इसी जगह उतरे और वहां पर मौजूद लोगों को एक छोटा सा भाषण दिया। Thousands of people died, thousands have come as refugees, and now the solution seems nowhere in sight. राजीव गांधी की यह तस्वीर उनकी मौत से महज एक घंटे पहले की तस्वीर है। यहीं श्री पेरम्बदूर के इसी मैदान में रैली हो रही थी। यहां से बस 100 ही मीटर दूर जहां स्मारक बना हुआ है, मंच लगा हुआ था, इसी तरीके से रेड कार्पेट बिछा हुआ था कि खबर आई राजीव गांधी पहुंचने वाले हैं। सब तरफ हलचल मच गई। हर कोई राजीव गांधी को बस एक झलक करीब से देखने के लिए उतावला हो रहा था। मंच पर म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा था, उसे रोका गया। रोक कर रैली के ऑर्गेनाइजर एजे दौस ने माइक अपने हाथ में लिया और घोषणा करने लगे कि राजीव गांधी की गाड़ी किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती है। जिन जिन लोगों की ड्यूटी राजीव गांधी के स्वागत के लिए लगाई गई है, वो रेड कार्पेट के पास अपनी अपनी पोजीशन ले लें, राजीव गांधी किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। और मंच से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस की कार्यकर्ता लता कनन भी रेड कार्पेट पर राजीव गांधी के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। लता कनन के बगल में स्कूल ड्रेस में उनकी बेटी कोकिला खड़ी थी। वो राजीव गांधी को हिंदी में कविता सुनाने वाली थी। लता कनन और कोकिला के बीच कुछ पीछे की ओर मानव बम धनु इस तरह से खड़ी हो गई कि किसी की नजर उस पर ना पड़े। धनु के हाथ में चंदन की एक माला थी और उसकी कमर पर शक्तिशाली बम लिपटा हुआ था राजीव गांधी की हत्या करने के लिए। जैसे ही राजीव गांधी के आने की घोषणा हुई, वैसे ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड शिवरासन मंच से करीब 5 मीटर की दूरी पर रेड कार्पेट के बाईं तरफ आकर खड़ा हो गया। शिवरासन उस समय एक पत्रकार के रूप में वहां मौजूद था। राजीव गांधी के स्वागत के लिए जहां पर महिलाएं खड़ी थी, उन्हीं के बराबर में राजीव गांधी की सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुसुया मौजूद थी। धनु के पास ही तकरीबन 20 कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे। वो परंपरागत तरीके से राजीव गांधी का स्वागत करना चाहते थे। उनके हाथ में रेशमी शॉल और मालाएं थी। राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल फोटोग्राफर हरिबाबू भी रेड कार्पेट पर मौजूद था और वो मानव बम धनु और हत्या का मास्टरमाइंड शिवरासन की फोटो खींच रहा था। तभी करीब 10:15 राजीव गांधी की गाड़ी मैदान में दाखिल हुई और रेड कार्पेट के पास आकर खड़ी हो गई। यानी मंच से सिर्फ 20 मीटर दूर थे राजीव गांधी और अपनी मौत से बेखबर मानव बम धनु से सिर्फ 10 मीटर दूर। राजीव गांधी अपनी कार में आगे की सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही वो कार से उतरे, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। राजीव गांधी अपनी बाईं ओर अपने से मिलने को बेताब खड़े लोगों से हाथ मिलाते हुए मंच की तरफ बढ़ने लगे। राजीव गांधी यहां पहुंचे तो एकदम आपाधापी मच गई। सुरक्षा के इंतजाम धरे के धरे रह गए। यहां पर रेड कार्पेट पर सिर्फ 23 लोगों को मौजूद होना था, यहां पर 23 से बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। जिन लोगों को राजीव गांधी का स्वागत करना था, उनकी जांच के लिए मेटल डिटेक्टर्स का इंतजाम था। मेटल डिटेक्टर्स के साथ 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उस रात मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इस बीच राजीव गांधी आगे बढ़ते हुए मंच के करीब पहुंच गए। तकरीबन 5 मीटर की दूरी थी। रेड कार्पेट के बाईं ओर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे स्वागत के। अब आगे बढ़ते हुए राजीव गांधी लगभग 5 मीटर दूर अपनी दाहिनी तरफ स्वागत के लिए खड़ी लता और कोकिला के नजदीक पहुंच गए। राजीव गांधी अब अपनी मौत के बेहद पास खड़े थे, क्योंकि मानव बम धनु लता और कोकिला के पीछे खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही राजीव गांधी कांग्रेस कार्यकर्ता लता कनन के पास पहुंचे, तो लता कनन ने उनका परिचय अपनी बेटी कोकिला से करवाया और कहा कि वो उन्हें हिंदी में कविता पढ़कर सुनाना चाहती है। जैसे ही राजीव गांधी कोकिला के पास पहुंचे, उसने उन्हें कविता सुनाई। कोकिला राजीव गांधी को कविता पढ़कर सुना रही थी और मानव बम धनु इसी तरह से पीछे खड़ी रही। कोकिला ने जैसे ही हिंदी में कविता पढ़कर सुनाई, राजीव गांधी ने कंधा थपथपाकर उसे शाबाशी दी। राजीव गांधी ने कोकिला को शाबाशी दी और मौके की ताक में घात लगाए खड़ी धनु अचानक से एक कदम आगे बढ़ी और राजीव गांधी के बेहद नजदीक पहुंच गई। वो राजीव गांधी को माला पहनाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मानव बम धनु आगे राजीव गांधी की तरफ बढ़ी, सब इंस्पेक्टर अनुसुया की नजर उस पर पड़ी। सब इंस्पेक्टर अनुसुया मानव बम धनु को राजीव गांधी के पास जाने से रोकना चाहती थी। राजीव गांधी ने जैसे ही सब इंस्पेक्टर अनुसुया को धनु को रोकते हुए देखा, उन्होंने तुरंत इशारा करके सब इंस्पेक्टर अनुसुया से धनु को उनके पास आने देने को कहा। राजीव गांधी के मना करने पर सब इंस्पेक्टर अनुसुया सहम गई और मानव बम धनु को राजीव गांधी के पास जाने से नहीं रोक सकी। जैसे ही मानव बम धनु राजीव गांधी के पास पहुंची, वैसे ही करीब खड़ा शिवरासन कुछ परे हट गया। इसी बीच फोटोग्राफर हरिबाबू राजीव गांधी, धनु, लता
और कोकिला की हर तस्वीर बेहद नजदीक से अपने कैमरे में कैद कर रहा था। राजीव गांधी अपनी मौत से बिल्कुल बेखबर, अपनी मौत यानी मानव बम धनु के बिल्कुल सामने खड़े थे। आखिरकार 21 मई 1991 की उस रात घड़ी की सुई 10:20 पर पहुंची। मानव बम धनु ना राजीव गांधी के बेहद नजदीक थी, उन्हें माला पहनाने की कोशिश कर रही थी और उसके चेहरे पर घबराहट जरा भी नजर नहीं आ रही थी। धनु ने जैसे ही माला पहनाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, राजीव गांधी ने थोड़ा झुककर माला पहन ली। माला पहनाई धनु ने राजीव गांधी को और उसके बाद उनके पैर छूने के बहाने वो जरा सा नीचे झुकी। जैसे ही धनु नीचे झुकी, उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी कमर पर पीछे की ओर बंधे बम का बटन दबा दिया और बटन दबते ही ऐसा धमाका हुआ कि सब दहल उठे, मानो वक्त कुछ देर के लिए थम गया हो। किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ है, ऐसा सन्नाटा छा गया पल भर के लिए। लेकिन जब तक ये सन्नाटा टूटा, जब तक ये खामोशी टूटी, सब कुछ खत्म हो चुका था। पल भर पहले ही हंसते मुस्कुराते अपने समर्थकों से गर्मजोशी से मिलते राजीव गांधी मंच की तरफ बढ़ रहे थे और पल भर में ही उनका सफर हमेशा के लिए थम चुका था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं। I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. It comes to having to die for what you believe in. I don't hesitate.